हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी 80s। आई होप नीट 2021 के लिए रिवीजन आप लोग खूब अच्छे से कर रहे होंगे। इस वक्त फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, इनके किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को प्लीज अब डिटेल में पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो आपने अपने क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हुए हैं उनके जरिए ही पढ़िए। फिजिक्स के लिए अपनी फॉर्मूला डायरी की हेल्प से सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये सब एक बार वापस रिवाइज कर लीजिएगा। आपके बायोलॉजी सेक्शन में जितने भी एग्जांपल्स, फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, ये सारी चीजें दी हुई है, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को OMR शीट फिल करनी चाहिए। मैं अपना ओपिनियन आप सभी से शेयर करूंगी। हालांकि अगर आप लोगों को लगे कि जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उससे डिफरेंट अच्छा तरीका आप लोगों को पता है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों को भी आपका बेहतर तरीका पता चल सके। ठीक है, अच्छा, नीट 2021 का पेपर पैटर्न आप सभी को पता है। इस बार आपके नीट के एग्जाम में 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट मैक्सिमम 180 क्वेश्चंस ही करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चार सब्जेक्ट्स में आपका पेपर डिवाइडेड होगा बच्चों। हर सब्जेक्ट में आपको दो सेक्शंस मिलेंगे, फिजिक्स का सेक्शन ए सेक्शन बी, केमिस्ट्री का सेक्शन ए सेक्शन बी, उसी तरीके से बॉटनी और जूलॉजी में भी सेक्शन ए सेक्शन बी आप लोगों को मिलेगा। हर सब्जेक्ट के सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस है, जिसमें से मैक्सिमम आप लोग 35 अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आप लोगों को 35 के 35 क्वेश्चंस आते हैं तो आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कम आते हैं तो कम अटेम्प्ट करिए। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से बच्चों मैक्सिमम आप लोग 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट के सेक्शन बी में पूरे 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आपको पूरे के पूरे करके आने हैं। आप लोग मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर सकते हो। 10 से कम आ रहे हैं तो 10 से कम करके आओ। देखो, मिनिमम कितने करके आने हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की लिमिट है इन सेक्शन बी। मैक्सिमम आप लोग 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर सकते हो। सेक्शन ए में आप लोग मैक्सिमम 35 के 35 अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, किसी बच्चे ने सपोज क्या किया, 11 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, उसने काउंट नहीं किया, उसे पता नहीं चला और OMR शीट में 11 क्वेश्चंस उसने मार्क कर लिए। सपोज मैं यहां से लेकर चलूं, 36 से लेकर उसने 46 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, ये तो 11 क्वेश्चंस हो गए। तो क्या होगा, आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस काउंट होंगे बच्चों। सपोज किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट किया और उसने यहां से सारे क्वेश्चंस करे 45 तक, तो उसके शुरू के 10 क्वेश्चंस काउंट होंगे। सपोज किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 36 आता था, 37 नहीं आता था, फिर 38 आता था, 39 नहीं आता था, जो जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे उनमें से जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे वो काउंट होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 10 से ज्यादा क्वेश्चंस मार्क करके मत आइएगा, वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज, काफी बच्चे ये सोचते हैं कि सपोज कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, बच्चे ने क्या किया, उसमें पहले ऑप्शन ए मार्क किया, फिर उसे लगा अरे ऑप्शन ए सही नहीं था, ऑप्शन सी सही था, फिर उसने ऑप्शन सी भी मार्क कर दिया। इस केस में क्या होता है, जितना मुझे नॉलेज है, इस केस में आप लोगों का क्वेश्चन क्या काउंट करा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में काउंट करा जाएगा, रॉन्गली अटेम्प्टेड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काउंट होगा। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन में दो बबल्स फिल करे हैं तो इट विल बी काउंटेड एज अ रॉन्ग आंसर, यानी कि आपके माइनस मार्किंग यहां पर होगी बच्चों। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में दो बबल्स फिल मत करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरे हिसाब से किस तरीके से आप लोगों को OMR शीट में बबल्स फिल करनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, चार सेक्शंस हैं। मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले आप लोग बॉटनी या जूलॉजी, इनमें से जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है आप उससे शुरुआत करें। जैसे मुझे जूलॉजी बहुत पसंद है, तो अगर मैं नीट का पेपर दे रही होती तो मैं सबसे पहले जूलॉजी से स्टार्ट करती, क्योंकि मुझे पता है भाई यहां से मेरे क्वेश्चंस जल्दी से बन पाएंगे, मैं फटाफट टाइम सेव कर पाऊंगी, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री के कैलकुलेशन पार्ट में मुझे ज्यादा टाइम मिल सके। ठीक है, तो बॉटनी और जूलॉजी, इनमें से जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है, आपको लगता है कि आप ईजिली बहुत सारे क्वेश्चन कम टाइम में इस सेक्शन से कर सकते हो, उस सेक्शन से शुरुआत करें, इधर बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, अब मैं ये मानती हूं कि आप लोग क्या करें बच्चों, कुछ क्वेश्चंस का सेट बना दे। जैसे कि आपने 10 क्वेश्चंस का सेट बनाया या फिर 20 क्वेश्चंस का सेट बनाया। सेट बनाया मतलब, जैसे मैं पेपर शुरू कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 15 से, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत करी और 25 तक क्वेश्चंस कर लिए। जैसे ही मैंने 15 से लेकर 25 तक देखा कि मुझे कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये 10 क्वेश्चन का सेट मेरे पास बन गया है, मैं क्या करूंगी, OMR शीट में अब इन 10 क्वेश्चंस को मार्क कर लूंगी। जितने भी क्वेश्चंस मेरी 15 से 25 क्वेश्चन नंबर के बीच बन पा रहे हैं, मैं उनको OMR शीट में मार्क कर दूंगी। मैं ये मानती हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें कि पहले क्वेश्चन पेपर में ही सारे क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं
और लास्ट में जब पूरा पेपर हो जा रहा है उसके बाद आप लोग OMR शीट फिल कर रहे हैं। ये गलती प्लीज बिल्कुल भी मत करिएगा। आप लोग कुछ क्वेश्चंस का सेट बना दी, जैसे कि आपने सोचा है कि जैसे ही मेरे 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे उस 10 में से मेरे जितने भी बन पा रहे हैं मैं OMR शीट में मार्क कर दूंगा, फिर अगले 10 में पढ़ूंगा, पहले क्वेश्चन पेपर में मार्क करूंगा, उसके बाद OMR शीट में मार्क करूंगा। तो 10-10 क्वेश्चंस का सेट बनाइए, जैसे ही 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं OMR शीट में फिल करिए। आप चाहे तो 15 क्वेश्चन भी रख सकते हैं अपना टारगेट, 20 क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। पूरे पेपर के आंसर क्वेश्चन पेपर में मार्क करने का टारगेट नहीं रखेंगे, 10 या 20 क्वेश्चंस पहले करिए, क्वेश्चन पेपर पे उनके आंसर्स मार्क करिए, और जैसे ही आपके 10 या 20 जितना भी आप टारगेट रखते हैं वो क्वेश्चंस हो गए हैं OMR शीट में फिल करते चले जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं कि बबल्स कैसे फिल करने हैं। चाहे अपना नाम लिख रहे हैं, चाहे किसी क्वेश्चन का आंसर मार्क कर रहे हैं, मैं ये मानती हूं सबसे पहले आप लोग बबल की आउटलाइन फिल करेंगे। सपोज मेरा आंसर है आंसर ए, तो ऐसे नहीं कि मैं इस गोले में यहां से शुरू कर रही हूं फिल करना। आप लोग आउटलाइन मार्क करेंगे बच्चों, सबसे पहले आउटलाइन मार्क करिए और फिर आके आप लोग अंदर अंदर फिल करना शुरू करेंगे ताकि आपकी इंक स्प्रेड ना हो। रही बात नाम फिल करने की, जैसे मेरा नाम है रेणुका अंतवाल, तो मैं पहले पूरे ब्लॉक्स में अपना पूरा का पूरा नाम लिखूंगी रेणुका अंतवाल, और उसके बाद ब्लॉक्स फिल करना शुरू करूंगी आउटलाइन से शुरू करते हुए, बाहर से लेकर मैं अंदर को फिल करना शुरू करूंगी ताकि इंक स्प्रेड ना हो। मेरा नाम रेणुका अंतवाल है तो रेणुका और अंतवाल के बीच में एक ब्लॉक में छोड़ूंगी। अगर आपका नाम सपोज है केशव सिंह रावत, केशव एक ब्लॉक छोड़ा, सिंह एक ब्लॉक छोड़ा, रावत, ऐसे करके आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपके नाम और सरनेम के बीच में एक ब्लॉक आपको छोड़ना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपना नाम ब्लॉक्स में फिल करेंगे और उसके बाद OMR शीट में आप लोग मार्क करेंगे आउटलाइन से शुरुआत करते हुए। उसी तरीके से जब आप आंसर मार्क कर रहे होंगे पहले आउटलाइन को फिल करिएगा और उसके बाद अंदर फिल करिएगा। इन शॉर्ट फटाफट सम अप कर दूंगी, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं ये मानती हूं कि पहले पूरा पेपर सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर मार्क करने की गलती ना करें। आप लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले रीड करेंगे क्वेश्चंस को, 10 क्वेश्चंस आप लोग रीड करिए, उन क्वेश्चंस के आंसर अपने क्वेश्चन पेपर पर मार्क करिए। आपको लग रहा है 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, उसके बाद इन 10 क्वेश्चंस को OMR शीट में फिल करिए, फिर अगले 10 क्वेश्चंस करिए, पहले उन क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर से आंसर को लेते हुए OMR शीट में फिल करिए। फिल करते हुए पहले आउटलाइन फिल करेंगे, उसके बाद अंदर का बबल को आप फिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दे सकूं। एडमिट कार्ड से रिलेटेड आई होप अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। न्यू अपडेटेड एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है NTA की वेबसाइट पर, जहां पर आपका जो पोस्ट कार्ड साइज का जो बॉक्स था वो अब बड़ा शो हो रहा है ताकि आप लोगों की पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ बॉक्स के अंदर फिट हो सके। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर आपके बायोलॉजी के क्विक रिविजन के लिए बहुत सारी PDFs मैंने अपलोड करी है, जिसमें चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, यूनिट वाइज प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, 10 मॉक टेस्ट पेपर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अपने क्विक रिविजन के लिए वो सारे क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आपके नीट बायोलॉजी सिलेबस से जितने भी एग्जाम्पल्स, फुल फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज, इससे रिलेटेड क्विक रिविजन नोट्स के PDF भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उस चैनल में अपलोडेड PDF के जरिए अपना क्विक रिविजन कर सकते हैं। आज रात को 9 बजे मेरे अनअकैडमी के फ्री लाइव सेशन के जरिए मैं आप लोगों का बायोलॉजी के फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट नंबर 11 लेने वाली हूं। आप चाहे तो रात को 9 बजे मेरी फ्री क्विज में भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से प्रेपरेशन करो। मान सकती हूँ कि ये जो कुछ घंटे ही आपके पास बचे हुए हैं इसमें ऐसा हो गया यार अब नहीं पढ़ा जा रहा, सेचुरेशन पॉइंट हो गया है, अब नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे। तो जब कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, है ना, रिविजन हो जाएगा, खुद को इवैल्यूएट भी कर पाओगे कितने अच्छे से तैयारी हुई है। OMR फिल करते हुए आउटलाइन पहले फिल करना, बबल बाद में फिल करना, 10-10 क्वेश्चन का सेट बनाते हुए करना, 10 क्वेश्चन करे, रीड करे, क्वेश्चन पेपर में मार्क करे, उन आंसर्स को फिर अपने OMR शीट में फिल करा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका नीट 2021 की जो मेहनत है, जो सफर है, आपको 12th सितंबर को बहुत अच्छा रिजल्ट दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।